गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक एज वी डिस्कस अर्लियर इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द पॉपुलेशन फोरकास्ट. सो एज वी ऑल नो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज अ वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट. हेंस इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी शुड ऑलवेज हैव अ रीजनेबल फ्यूचर पीरियड डिसाइडेड इन एडवांस फॉर द टाइम for which this water supply scheme will be able to cater the public. हम लोग कोई भी water supply scheme बनाते हैं तो water supply scheme की एक basic requirement ये रहती है कि water supply scheme जो है वो ना सिर्फ अभी की population, यानी अगर हम किसी एक particular town के लिए या शहर के लिए अगर एक हम water supply scheme design कर रहे हैं, water supply scheme मतलब रिजर्वायर से पानी लेकर आने से लेकर और आपके होम तक डिलीवरी सिस्टम तक, ये जो पूरी हम स्कीम डिज़ाइन करते हैं, इस स्कीम को जो है डिज़ाइन करने में हमको बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है, यानी कि ये बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट है. तो अगर हमको ये चीज़ पता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत कॉस्टली है, तो हम जाहिर सी बात है कि उस प्रोजेक्ट को हम इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे, उस प्रोजेक्ट को इस प्रकार से हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे कि जिससे वो प्रोजेक्ट ना ही सिर्फ अभी के हालात में अभी की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, बल्कि आने वाले कुछ समय के लिए वो आपका जो सिस्टम आप बना रहे हैं वो वैध रह सके. यानी कि आपका वाटर सप्लाई स्कीम बनाने का मेन पर्पज़ क्या है कि आपका वाटर सोर्स जो है वो हर जगह आपके लिए अवेलेबल नहीं है, हर घर पे वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं हो सकता है, इसलिए हमको एक वाटर सप्लाई स्कीम, एक पाइपलाइन बिछाते हुए हमको पहुंचाना पड़ेगा घर घर तक पानी. तो अगर हमको घर घर तक पानी पहुंचाना है तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो हम पानी पहुँचा रहे हैं ये ना ही सिर्फ अभी की पॉपुलेशन, अभी की जनसंख्या के आधार पर कार्य करे, बल्कि आने वाले कुछ समय तक जो है आपका ये वैलिड रहे. अब आने वाले कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए जो है ये वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो केटर कर पाएगी पॉपुलेशन को, वो हमारे लिए जानने के लिए हमको पॉपुलेशन के पुराने डेटा, यानी कि उस शहर के, उस लोकेलिटी के पुराने, यानी जो आपके पिछले सेंसस हुए हैं, जो आप मतगणना जिसको कहते हैं, जो कि हर 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, उसके डेटास को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी जगह की पॉपुलेशन को, फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस जगह पर इसकी पॉपुलेशन बढ़ के इतनी हो जाएगी. तो इसको प्रोडिक्शन के लिए कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं जो पूरी तरीके से एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है अच्छी तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं. तो इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए जितने टाइम पीरियड को हम डिसाइड करते हैं वो पीरियड आपका डिज़ाइन पीरियड कहलाता है. ये डिज़ाइन पीरियड जो है इसके आधार पर आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट भी वेरी करेगी. अगर आप जो है किसी स्थान की अभी की पॉपुलेशन 10,000 है और आने वाले 30 साल बाद उसकी पॉपुलेशन 40,000 होनी हो, और अगर आप उसको डिज़ाइन कर दें 100 साल बाद उसकी 1.5 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी, तो इसमें लागत जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी. क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है रिक्वायर्ड वो बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, और उतने क्वांटिटी की हमको अगले 100 साल में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. तो इसलिए हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम किसी भी वाटर सप्लाई स्कीम को इस प्रकार से डिज़ाइन करें कि ये एक रीज़नेबल टाइम के लिए वैलिड हो. यानी कि ना ऐसा हो कि पॉपुलेशन बढ़ी, 5 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ के 10,000 से 18,000 हो गई तो ये वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो शॉर्टेज पड़ने लगी पानी की, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने अगले 100 साल के लिए बना दिया जिसके कारण अभी लागत इतनी ज़्यादा आ गई कि प्रोजेक्ट बना करने में जो है आपको दिक्कतें आने लगी. तो इसलिए एक ऐसा डिज़ाइन पीरियड चूज़ किया जाता है जो कि 20 से 30 साल के बीच में रहता है, जिसमें जो है आपका एक सफिशिएंट टाइम भी मिल रहा हो, जिसमें ये आपकी कारगर रहेगी जितने समय में, और एक आपका जो लागत है वो भी चेक में रहे. ठीक है,
तो इसको ध्यान में रखने के लिए हम पॉपुलेशन जब फोरकास्ट करते हैं तो हमको इसके कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं कि व्हाट आर अवर फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। हमको ये पता होना चाहिए कि किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन किन किन कारणों से घटती या बढ़ती है। इसके लिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ में आप देखेंगे कि मैंने कुछ फैक्टर्स इनुमरेट करे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या फैक्टर्स हैं, इनको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलेंगे। पहला फैक्टर है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। अगर किसी क्षेत्र में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी यानी कि तरक्की होगी, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप करी जाएंगी, या वहाँ पर कुछ ऑयल निकल आए, या वहाँ पे किसी मिनरल की खोज हो जाए, तो ऐसी जगहों पर आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। इकोनॉमिकल ग्रोथ यानी कि वहाँ पर आपका लोग जो है उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होंगे उस जगह पर आने के लिए। तो अगर किसी ऐसे क्षेत्र की बात करी जाए जहां पर आपको इकोनॉमिकल अवसर मिल रहे हैं तो वहां पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां के लोग वहां से जाएंगे नहीं बल्कि और जगह के लोग भी उन जगहों पर आने की कोशिश करेंगे जहां पर समृद्धि हो रही है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, आपके सरकार जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जिस तरीके से रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं, जिस तरीके से रोड प्रोजेक्ट्स हैं, और भी इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो सरकार लॉन्च करती है, इन प्रोजेक्ट्स के आने से किसी भी क्षेत्र का विकास होता है और जिस क्षेत्र का विकास होगा उस क्षेत्र में पॉपुलेशन के बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। उसके बाद तीसरा फैक्टर मैंने रखा है वो सोशल फैसिलिटी है। जिस क्षेत्र में मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी होगी, जिस क्षेत्र में स्कूल कॉलेजेस अच्छे होंगे, वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके बसने का प्रयास करेंगे, और जिन जगहों पर एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी कमज़ोर होंगी, जहाँ पर एजुकेशनल मेडिकल ढांचा कमज़ोर होगा, उन जगहों से लोग दूसरी अच्छी जगहों पर जाने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी छोटे गांव का जहां पर एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छी ना हो, वहां से हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग पलायन करते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर उस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरह की हमको ज़रूरत है उस तरह की व्यवस्थाएँ पूर्ण मात्रा में हों, तो ऐसी जगहों पर पॉपुलेशन के बढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन लिंक हो सकता है, जहाँ पर सड़कें अच्छी बनी होंगी, जिन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी अच्छी होगी उन क्षेत्रों की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी। जिन जगहों को जो है वो सड़क से नहीं जोड़ा जाता है, उनका विकास नहीं हो पाता है, जिनका विकास नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर रहने वाले लोग भी उन जगहों से पलायन कर जाते हैं, जहाँ से जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन घटने के कारण बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा टूरिज़्म है। टूरिज़्म क्या चीज़ है कि आपका लोग किसी जगह को टूरिस्ट प्लेस समझते हैं, तो जहाँ पर लोग टूरिस्ट घूमने आएंगे वहाँ पर आपके साधन पैदा होंगे, रोज़गार के साधन पैदा होंगे, और जिस जगह पर रोज़गार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होंगे टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाने के कारण, वहाँ पर आपकी पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा जिन जगहों पर जो है लिविंग हैबिट्स अच्छी होंगी, सोशल कस्टम्स होंगे, या इन जनरल कम्युनिटी बेहतर होगी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। उसके अलावा पॉपुलेशन घटने के कई कारण हो सकते हैं। किसी जगह पे आपदाएं आ जाएं, जैसे कि आपका भूकंप है उसमें लोग मारे जाएं, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा फ्लड्स आ सकते हैं, फेमाइन सूखे पड़ सकते हैं, एपिडेमिक्स जैसे आपका आजकल कोरोना आया हुआ है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी आपदाएँ जिनसे लोग मर रहे हों, और बेहतर हॉस्पिटल्स, बेहतर फैसिलिटीज़ या बेहतर कंस्ट्रक्शन ना होने के कारण लोगों को जान माल की हानि हो, ऐसी जगहों से लोगों का पलायन भी होना संभव है, और ऐसी जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण पॉपुलेशन कम होने का भी अनुमान रहता है। इन जनरल पॉपुलेशन कम होती नहीं है, बहुत कम जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन पॉपुलेशन इन कारणों से कम भी हो सकती है। तो अब अगर हमको पता है कि इतने सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, तो हम किस प्रकार से अपनी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले
कुछ साल के लिए, उतने साल के लिए जितने साल को हम डिज़ाइन पीरियड कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड है, जो कि एक्यूरेट तो नहीं है फिर मैंने बताया, लेकिन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बता सकते हैं, जिसके आधार पे किसी वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करा जा सकता है, ताकि वो वाटर सप्लाई स्कीम एक रीज़नेबल समय के लिए भी कारगर हो और अच्छी खासी पॉपुलेशन को भी सर्व करने के लिए उपयुक्त हो, ठीक है। तो इनमें से पांच मेथड हैं, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड है, और लॉजिस्टिक कर मेथड है। उसके अलावा और ग्राफिकल मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के आधार पर ये पांच मेथड जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसमें से हम आज जो है जो पढ़ने वाले हैं वो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है, क्योंकि वीडियो जो है हमको इसको शॉर्ट रखना है, तो इसलिए जो है हम सिर्फ आज जो है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ पर ध्यान दें कि इस वीडियो में किसी समय पर मैं आपसे एक न्यूमेरिकल भी पूछूंगा, जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और उसको सॉल्व करे हुए की फ़ोटो आपको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब भी इस सब्जेक्ट में आएंगी, मैं ऐसे ही बीच में किसी भी समय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको अनसॉल्व्ड दे दूंगा, जो आपको मुझे सॉल्व करके भेजनी होगी। इससे पता चलेगा कि आप क्लास में अटेंटिव हैं, क्लास में आप प्रेजेंट हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहला मेथड डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है। बहुत ही आसान मेथड है ये, एक बेसिक एजम्पशन पे काम करता है कि पॉपुलेशन जो है वो जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट कांस्टेंट है, यानी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ कांस्टेंट। ये हमारा अनुमान है, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। यानी कि क्या मतलब हुआ, इट मींस दैट ईच ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द सेम इंक्रीमेंट। अगर किसी 10 साल में पॉपुलेशन 3000 बढ़ी है, तो उसके अगले 10 साल में 30,000 ही बढ़ेगी, उसके अगले 10 साल में फिर से 3000 बढ़ेगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड एक क्योंकि आसान एक सरल मेथड है, जो सीधा सीधा आपका आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट करने में मदद करता है। तो इसका मतलब मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि dp/dt इज कांस्टेंट, यानी चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम विल रिमेन कांस्टेंट। ये है हमारा पहला मेथड, जिसको हम कह रहे हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। इस मेथड के फोरकास्टिंग के लिए हम एक फार्मूले को जो है ड्राइव कर सकते हैं, जो फार्मूला हमारा कहता है कि फोरकास्टेड पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। अगर आपकी पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है n नंबर ऑफ डिकेड्स के बाद, ये n 1, 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है, डिकेड आप जानते हैं कि 10 वर्ष के टाइम पीरियड को डिकेड कहा जाता है। अगर आपको n डिकेड्स के बाद की पॉपुलेशन ज्ञात करनी है, तो आप सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं pn इज इक्वल टू p0 प्लस nx बार, जो जिसमें pn आपका फोरकास्टेड पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड फ्रॉम प्रेजेंट। यानी कि अगर आपका इस समय 1981 चल रहा है उदाहरण के तौर पे, और आपको 2001 के बारे में जानना है पॉपुलेशन, तो 81 के बाद 91 पहला डिकेड और 91 के बाद 2001 दूसरा डिकेड, तो pn आपका जो है वो p2001 हो गया, जो कि आपका जहां पर n आपका कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। p0 क्या है, पॉपुलेशन एट लास्ट नोन सेंसस। पॉपुलेशन एट लास्ट नोन सेंसस का मतलब कि आखिरी पॉपुलेशन जो सेंसस के द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन के तौर पे दी गई, वो पॉपुलेशन कितनी थी। आखिरी पॉपुलेशन का मतलब अगर आपको 1950 की पॉपुलेशन पता है, 1960 की पता है, 1970 की पता है, 1980 की पता है, और 80 के बाद की आपको अनुमान निकालना है, ठीक है, तो आपकी लास्ट नोन पॉपुलेशन 1980 वाली हो गई, 1950 वाली नहीं, 1980 वाली पॉपुलेशन आपकी लास्ट नोन पॉपुलेशन हो गई। नंबर ऑफ डिकेड इज़ n, जैसा कि मैंने आपको बताया कि
लास्ट सेंसस से लेकर जितना फ्यूचर तक जाना है, मान लीजिए 1981 के बाद 91 जाना है पहला डिकेड, 91 से 2001 जाना है नंबर ऑफ डिकेड 2, 2001 से 2011 जाना है नंबर ऑफ डिकेड 3, 2011 से 2021 जाना है नंबर ऑफ डिकेड 4, और इसी प्रकार से आपके नंबर ऑफ डिकेड चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब एक्स बार क्या है? अगर एक्स आपकी जो है वो इंक्रीज है किसी एक पॉपुलेशन की, तो टोटल इंक्रीज का अगर अर्थमेटिक मीन निकाल दें, ठीक है, यानी पहले से लेकर आखिरी तक के बीच में जितना टोटल इंक्रीज हो रहा है अगर हम उसको निकाल दें, तो हमको उसका एवरेज करने के बाद पता चल जाएगा कि हमारा एक्स बार कितना है। एक्स बार इज़ अवर एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन नोन डिकेट्स, यानी हमको जितने डिकेट्स ज्ञात हैं उतने में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, उन सब इंक्रीज का जो है आपने एवरेज निकाल दिया। ठीक है, अब ये आप चाहें तो फार्मूले से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो आप जो है वो बिना फार्मूले के इंक्रीज करते करते चले जाएंगे। अब ये दोनों प्रक्रिया मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है? पहला न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ फाइव डिकेड, यानी पांच डिकेड की पॉपुलेशन पता है कहाँ से कहाँ तक, 1960 से 2000 तक दे रखी है, और पता क्या करना है, फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1, 2 and 3 डिकेड बियॉन्ड द लास्ट नोन डिकेड बाय यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि ईयर है 1960, पॉपुलेशन थी 25,000, 1970 पॉपुलेशन थी 28,000, 1980 पॉपुलेशन थी 34,000, 1990 पॉपुलेशन थी 42,000 और 2000 पॉपुलेशन थी 47,000, यानी कि हमको 1960 से लेकर और 2000 तक के दशक की पॉपुलेशन हमको ज्ञात है, हमको पहले से पता है, सेंसस डेटा दे रखा है। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत ही आसान चीज़ है कि आपने क्या करना है कि पहले एक टेबल बना लेनी है जिसमें एक साइड आपने ईयर लिख लिया, एक साइड आपने पॉपुलेशन लिख ली, फिर नेक्स्ट कॉलम में इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिख लिया। इस प्रकार की टेबल आपके सारे मेथड से बनेगी, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। अभी हम लोग अर्थमेटिक इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या करा, 1960 के सामने 1960 की पॉपुलेशन लिख ली, 70 के सामने 70 की पॉपुलेशन लिख ली, 80 के सामने 80 की पॉपुलेशन लिख ली, 90 के सामने उसकी लिख ली, और 2000 के सामने आपने 2000 की पॉपुलेशन जो दे रखी थी उतनी लिख ली। अभी क्या करना है आपको, अब भाई 1960 से पहले कितनी पॉपुलेशन थी ये तो आपको पता नहीं है, तो आप 1950 से 60 को मतलब छोड़ देंगे उसको, यानी टोटल नंबर ऑफ डिकेड तो भले 5 हैं लेकिन आपको इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितने डिकेड की पता चल रही है। भैया 60 से 70 गए 10 साल, 70 से 80 गए 20 साल, 80 से 90 गए 30 साल, 90 से 2000 गए 40 साल, 40 साल यानी कि 4 दशक की पॉपुलेशन आपको पता चल रही है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 28 में से 25,000 घटा देना है। 28,000 क्या है, 28,000 1970 की पॉपुलेशन है, और 25,000 क्या है, 1960 की पॉपुलेशन है, इसको यहाँ पर लिख देना है, ये 3,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद 25,000 को भूल जाना है। अब अगली क्या है कि 70 से 80 तक कितनी बढ़ी, तो 70 से 80 तक 34,000 है 80 में, और 28,000 थी 70 में, तो 34,000 माइनस 28,000 यानी कि 6,000 बढ़ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 80 से 90 के बीच में कितनी बढ़ी, तो 90 की पॉपुलेशन थी 42,000, वो यहाँ लिख दी। ठीक है, माइनस 80 की पॉपुलेशन थी 34,000, यहाँ लिख दी, बढ़ी कितनी, 8,000 बढ़ गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वाले दशक यानी कि 2000 वाले दशक में कितनी पॉपुलेशन हो गई, 47,000 हो गई। 47,000 में से 90 में कितनी थी, 42,000 थी, 42,000 घटा दिए, रह गए 5,000, यानी कि 5,000 बढ़ गई 1990 से 2000 के बीच में। तो आपने इस टेबल में क्या पाया, इस टेबल में आपने एक चीज़ पाई, वो चीज़ क्या पाई, वो चीज़ ये पाई कि 1960 से पॉपुलेशन 1970 में जब हम पहुँचे तो 3,000 बढ़ चुकी थी, फिर 1970 से जब हम 80 पहुँचे तो पॉपुलेशन 6,000 बढ़ चुकी थी, 80 से 90 पहुँचे पॉपुलेशन 8,000 बढ़ चुकी थी, ठीक है, 90 से 2000 पहुँचे पॉपुलेशन 5,000 बढ़ चुकी थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें जो है
पॉपुलेशन अलग अलग बढ़ रही है, लेकिन हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है तो इसमें क्या करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट कांस्टेंट है। तो हमको इसका रेट निकालना है, तो हमने इसका टोटल ऐड कर लिया और जितनी इंक्रीज हुई है उससे डिवाइड कर दिया, यानी 3000 प्लस 6000 प्लस 8000 प्लस 5000, यानी चार बार इंक्रीज की, चार दशकों की हमको इंक्रीज पता है जो मिलाकर हुई है 22000। ठीक है, तो 22000 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो 5500, यानी हर 10 साल पे 5500 पॉपुलेशन बढ़ जा रही है। अगर हम उसको एवरेज के तौर पे मीन की तरह देखेंगे तो हर 10 साल पे पॉपुलेशन 5500 बढ़ जा रही है। अब 5500 पॉपुलेशन बढ़ जा रही है यानी कि एक्स बार आपका 5500 आ गया। पीएन आपको जो भी दशक की पॉपुलेशन निकालनी है वो है आपका। एन क्या है? नंबर ऑफ डिकेड्स है। नंबर ऑफ डिकेड कहाँ से? 2000 के बाद से। ठीक है, लास्ट नोन डिकेड पी नॉट क्या है? 2000। क्यों है पी नॉट? 2000 वाले दशक की पॉपुलेशन जो है वो 47000 थी, तो पी नॉट आपका 47000 है। क्यों? क्योंकि पी नॉट जो है वो आपकी पॉपुलेशन है ऑफ द लास्ट नोन डिकेड। लास्ट नोन डिकेड का नंबर नहीं डाल देना है, पॉपुलेशन डालनी है उसकी। पी नॉट इज पॉपुलेशन, पी एन इज ऑल्सो पॉपुलेशन। ठीक है, अब कितना बढ़ रही है? 5500 बढ़ रही है। कितना से बढ़ रही है? 5500 हर 10 साल में बढ़ जा रही है। तो हमने 2000 के बाद पहला जो डिकेड आया, डिकेड नंबर 1, तो नंबर ऑफ डिकेड कितना हो गया? एन इज इक्वल टू 1, आप यहाँ देख पा रहे हैं, एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। ठीक है, तो पी एन आपका पहला डिकेड है 2000 के बाद वाला, यानी कि इसको आप पी वन भी बोल सकते हैं, यानी 2000 के बाद का पहला डिकेड, और वो आपको पता है कि कितना होगा 2000 के बाद, 2010 आएगा। तो पी 2010 हमने इसको लिख दिया, तो पी 2010 जो है वो 47000, जो कि आपका पी नॉट है, लास्ट नोन डिकेड की पॉपुलेशन, प्लस 1 नंबर ऑफ डिकेड है, इंटू 5500 जो आपका एक्स बार है, एवरेज इंक्रीज पर डिकेड, आपने कैलकुलेट करके निकाला 52500। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा था कि दो प्रकार के तरीकों से करा जा सकता है, तो वो दो प्रकार के तरीके ये हैं कि आप 52500 में फिर से 5500 ऐड कर दें तो भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप फार्मूला डालते रहें। फार्मूला क्या कहता है? पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। तो पी नॉट तो 47000 कॉन्स्टेंट रहेगा अब हर जगह पर। अब 2020 का निकालना है, तो 2020 यानी कि दूसरा डिकेड हो गया। ठीक है, 2000 जो है आपका 2000 से शुरू हुआ, 2010 में पहला डिकेड हो गया, 2020 में दूसरा डिकेड पूरा हो गया, तो एन जो है आपका कितना हो गया? 2 हो गया, एक्स बार उतना ही रहेगा, 58 आ गया। तो दो तरीके हैं, चाहे फार्मूला में रख के निकालिए, चाहे जो 2010 वाली थी उसमें 5500 ऐड कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप फार्मूला में रख के निकालें। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में रख के आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, है ना। तो पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार करके, तो पी नॉट 47000, एन जो है वो 2 है, एक्स बार फिर से 5500, 58000 आ गया। तीन टिकट की निकालनी थी, तो तीसरा टिकट कितने का हो गया? 2030 वाला हो गया। तो पी नॉट अगेन 47000, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5500 इज इक्वल टू 63500, यानी कि 2030 में पॉपुलेशन इस इलाके की कितनी हो जाएगी? 63500 हो जाएगी। ये हो गया आपका अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से पहला न्यूमेरिकल सॉल्व। उसके अलावा हम जो है एक न्यूमेरिकल और चेक कर ले रहे हैं। वो न्यूमेरिकल क्या है? आपको पॉपुलेशन किसी एक शहर के सेंसस की दे रखी है, 1901 से 1981 तक की पॉपुलेशन दे रखी है। ठीक है, 1901 से 1981 तक की दे रखी है, तो हमने फिर से टेबल बनानी है और सारे डिकेट की पॉपुलेशन उसके करस्पॉन्डिंग लिख लेनी है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि मैंने 1901 के सामने 20000, 1911 के सामने 22000, 1921 के सामने एंड सो ऑन 1981 के आगे 61000 लिख दिया था। और सेम पुराने मेथड से 22000 में से 20000 घटाया, 2000 बढ़ा। ठीक है, 25000 में से 22000 घटाया, 3000 बढ़ा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आ जाइए तो 61000 में से 54500 घटाया तो 6500 बढ़ा। सबको ऐड कर लिया, ऐड करके आ गया आपका 41000। जब 41000 आ गया, कितनी बार कितने डिकेट की पॉपुलेशन हमको पता है जो बढ़ रही है। ठीक है, तो टोटल डिकेट हमारे कितने थे आपका, जिनके हमको डेटा पता था? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डेटा पता था। तो 9 के डेटा से हमको इंक्रीज कितनों की पता चलेगी? 8 की पता चलेगी, क्योंकि 1901 के पहले का हमको डेटा पता नहीं था। तो 1901 तो एक खाली एक नंबर है,
ठीक है, उससे हमको इंक्रीज़ नहीं पता चलेगी, तो हम 1911 में पहली बार पता कर पाएंगे कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। ठीक है, तो 1901 से 1911 के बीच में 2000 पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो आपने जो है नंबर ऑफ डिकेड कितने हो गए आपके, 8 हो गए, जिनसे आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 41,000 प्लस 8 इज 5125। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, इसने ये नहीं पूछा कि एक डिकेड बाद बताओ, दो डिकेड बाद बताओ, या 10 डिकेड बाद बताओ। इसने ये पूछा कि इस सिटी की पॉपुलेशन बतानी है फॉर द ईयर 2021। ठीक है, तो अब 2021 की पॉपुलेशन बतानी है, और इसमें आपको ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा गया है कि कितना नंबर ऑफ डिकेड है, ठीक है, या कितने डिकेड तक की बतानी है। तो 81 तक की दे रखी थी, अब 81 से 91 गए, पहला डिकेड हो गया, 91 से 2001 गए, दूसरा डिकेड हो गया, 2001 से 2011 गए, तीसरा डिकेड हो गया, और 2011 से 2021 आए तो चौथा डिकेड हो गया। यानी कि 2021 सन जो आएगा वो कितना नंबर ऑफ डिकेड के बाद आएगा, 1981 के बाद चौथा डिकेड है, 1981 के बाद चौथा डिकेड। कैसे, 81 से 91 एक डिकेड, एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, 91 से 2001 एन इज इक्वल टू 2, 2001 से 2011 एन इज इक्वल टू 3, 2011 से 2021 एन इज इक्वल टू 4। अब एन इज इक्वल टू 4 हो गया, अब पी नॉट आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट इज पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट नोन डिकेड। लास्ट नोन डिकेड है आपका 1981 वाला, जिसकी पॉपुलेशन थी 61,000। तो पी नॉट जो है क्या हो गया आपका, 61,000 हो गया। एन आपका 2021 में क्या हो गया, 4 हो गया। पी एन क्या हो गया, पी 2021 हो गया। एक्स बार कितना हो गया, अब ये आपका 41,000 बटा 8 करा तो 5125 आया था, तो एक्स बार आपका 5125 आ गया। ठीक है, फॉर्मूले में रखा पी 2021 इज पी नॉट 61,000 प्लस एन 4 इंटू एक्स बार 5125। तो पी 2025 यानी 2021 की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 81,500। इसी प्रकार से 31 की पूछेंगे तो एन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। आपको काउंट कर लेना है, जितने भी साल बाद का पूछें आपको डिकेड काउंट कर लेना है। ठीक है, ये प्रक्रिया है अर्थमेटिक मेथड से पॉपुलेशन फोरकास्ट करने की। अब आपको अपनी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, इस न्यूमेरिकल को सब लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको इस न्यूमेरिकल का आंसर सब लोग बताएंगे। 5 डिकेड की पॉपुलेशन पूछ रहा है, अगले 5 डिकेड तक की पॉपुलेशन 1990 के बाद की, यानी 2000 की पूछ रहे हैं, 2010, 2020, 2030 और 2040 तक की पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, और 40 से 90 के बीच की दे रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व करके सब लोग हमको इसका आंसर व्हाट्सएप पे भेजेंगे और यहाँ पर भी कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद। आगे के मेथड हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे।